अपनी चित्त को कहते हैं और मानना जरूरी है कि नहीं? पितर कहा जाता है माँ बाप को, पितर माने पिता और माता, माता वो तो लौकिक माता पिता होती है, लौकिक माता एक जन्म के माता पिता होते हैं और विनाशी शरीर के विनाशी माता पिता होते हैं। लेकिन विनाशी शरीर में अविनाशी चीज कौन है? आत्मा। तो आत्मा का भी कोई पिता होता होगा? आत्मा का भी पिता होगा, माता भी कोई होती होगी। तुमेव माता च पिता तुमेव गाते तो है, तो ज्यादा महत्व तो कौन से पितर को देना चाहिए? अविनाशी पिता। जो अविनाशी माता पिता है उनको पहचानना चाहिए और पहचान करके उनकी मत पर चलना चाहिए और उनको ज्यादा महत्व तो देना चाहिए। दादा बात तो, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण में तो बोलता रहता है, लोग बोलता रहता है, वो माता पिता का भी स्मरण नहीं करेगा और माता पिता का जो तिथि उनका भी श्राद्ध नहीं करेगा, ऐसा बोलता है। इसका एक बात बुद्धि में आ जाती है कि हमें समझ में आ चुका है कि ये दुनिया भस्म होने वाली है एटम बमों की आग में। सबसे पहले उसको बोलना, समझ में आ गई कि नहीं? आ गई। तो भस्म होने वाली दुनिया की लोकलाज याद रहती है, ये ऐसे कहता है वो वैसे कहता है, ये ऐसे हमको बोलता है वो वैसे हमको बोलता है। और जो आने वाली दुनिया नई सामने खड़ी है, भगवान इशारा देता है कि अब नई दुनिया आने वाली है। क्या 150 वर्ष नहीं है अब नई दुनिया आने में? उसकी लोकलाज की खबर नहीं है? हमको पूछा था चिंगारी है, चिंगारी चिंगारी भूसा होता है ना, भूसा। और भूसा में जो आग होती है उसकी थोड़ी सी चिंगारी रख दो, हाँ सारे को जला देगा। चिंगारी माने छिलका, मिलका। हाँ जी, हाँ जी, है मोहताज। मोहताज बोलते हैं ना, मोहताज। एक होता है रतन जरित ताज है, भगवान आके बताते हैं सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में तुम रत्न चरित ताज धारण करते हो, राजा बनते हो ना, छोटे बड़े राजा हुए तो उन्होंने रत्न चरित ताज धारण किया है। और जब कलयुग आता है सब देशों में प्रजातंत्र राज्य हो जाता है आखिरी 100 वर्षों में, तो लोग जो है वो देह के संबंधियों के मोहताज हो जाते हैं। इतना मोह बढ़ जाता है कि मोह सर पर सवार बना रहता है। क्या रतन जो ताज समाया रहता है या मोहताज समाया रहता है? मोहताज बुद्धि में समा जाता है, तो उनको कहते हैं मोह के ताजधारी। और बात है लेकिन मेरा एक तो बच्चा था, नहीं पर्सनल बात नहीं पूछिए, ज्ञान की बातें पूछिए, पर्सनल बातें बाद में। बाबा हाँ जी, शुरू में फर्स्ट जो आदि में हाँ। माता बच्ची और पिता प्रजा पिता का बात है हाँ। उस टाइम में जैसा जैसा पहला जन्म पुरुष होने से पीछे स्त्री का जन्म हम लोग का ये मुरली में आ रहा है अभी बाबा, ये प्रजा पिता और उसके पीछे गीता माता और राधे बच्चे, क्या अभी हम लोग का ये जो पहचान हुआ ज्ञान से उसका ये जन्म क्या अंतिम जन्म का अंतिम जन्म एक ही हिसाब से चलता है ना बाबा? क्या है क्या पूछा किस बात समझ में आई? कुछ आप सुन ही रहे हैं, किसी ने समझा ये क्या पूछना चाहते हैं? मैले भनेको चाहिँ राधे बत्ती अगाडिको नि, अहिले स्त्री तन नै छ, पहिलाको गीता माताको पनि अहिले हाम्रो हिसाबमा त स्त्री नै तन छ होइन, पहिला पिताको पनि अहिले पुरुष तन छ, पहिला पनि त्यतिले पुरुष तनकै कुरो हो नि, त्यही त्यही चाहिँ भन्नु खोजेको।
जैसे जो आगे आदि में जो प्रजापिता था वो भी पुरुष स्तरीय था जी, और भी पुरुष स्तरीय हुआ जी, और जो दो माताएं थी वो भी अभी कृष्ण में है, वो तो चेंज नहीं हुआ ना। चेंज नहीं, कुछ चेंज होना जरूरी है। मुरली में तो बोला है ज्यादा से ज्यादा दो जन्म पुरुष के हो सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा दो जन्म स्त्री के हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, तो कोई गलत तो नहीं हुआ। जो माताएं पूर्व जन्म में थी वो ही माताएं इस जन्म में भी है निमित्त, और जो पिता पूर्व जन्म में था वो इस जन्म में भी निमित्त है। पहले जन्म में पुरुष था तो इस जन्म में दूसरे जन्म में पुरुष नहीं हो सकता, फिर क्या बात, शंका क्यों आ रही? अच्छा मुरली का ध्यान नहीं है। और दादा हम लोग तो अभी लौकिक गृहस्थी जीवन में बैठे रहे हैं, कोई गृहस्थी हो जाओ, गृहस्थी कोई 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 भगवान का ज्ञान ले लिया, कोई भिखारी आ जाए, भिखारी को कुछ देना मना है कि नहीं? भिखारी कुछ आता है और वो विकार मांगता है क्या? हमारा भिखारी आता है और वो विकार मांगता है, कोई बात नहीं बैठा रहने दो। क्या हम काम विकार के भूखे हैं, हमें दाम दे दो तो देंगे, क्यों नहीं देंगे? अरे भिखारी आया हुआ है वो रोटी बेटी मांगता है, रोटी मांगता है ना, रोटी और बेटी दोनों मांगता है, नहीं देंगे? आज की दुनिया के जो भिखारी हैं साफ जानते हैं, एक तरफ से भीख मांग के ले जाते हैं, दूसरी तरफ जाके शराब पी लेते हैं, रात में जाकर के बच्चों को पकड़ पकड़ के लाते हैं, उनके हाथ पांव काट देते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं। तो बाबा ने तो बताया श्रेष्ठ को दान देंगे, जो मनुष्यों की बनाई हुई गीता है उसमें भी लिखा है श्रेष्ठ को ज्ञान देंगे तो दान का वो फल होगा सतो प्रधान, और भ्रष्ट को दान देंगे, पापाचारी को दान देंगे तो देने वाले के ऊपर भी पाप चढ़ जाएगा, तो क्या करना है? पहले शरीर से उसको देने से तो कोई अपंग भी आज ऐसे ही कर रहे हैं, उनके हाथ पांव जन्म से ही बचपन से ही काट दिए जाते हैं, ऐसे समाज में पलते हैं जहाँ उनके हाथ पांव काट दिए जाते हैं और वो रेल में और बसों में भीख मांगते फिरते हैं। उनसे कहो कि चलो हम तुम्हें आश्रम में रखेंगे, वो लड़कियों को लड़कों को कितना भी समझाओ वो बिल्कुल आने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसके लिए क्या करेंगे? वो भी है दादा, कितना ऐसा पीड़ित परिवार है उसमें अभी कोई बात बताओ, एक बात बताओ, दुनिया में हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ रही है, है? बढ़ रही है, बीमारियों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, दवाइयों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, केमिस्टों की संख्या बढ़ रही है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, वैद्यों की हकीमों की संख्या बढ़ रही है, इतना सब कुछ होता चला आ रहा है, 2500 साल की हिस्ट्री है, ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण मालूम है? कोई पौधा लगाया जाए और उस पौधे के पत्तों में पानी छिड़का जाए और जड़ में और बीज में पानी न दिया जाए तो पौधा सरसब्ज होगा? पत्तों में दवाइयां लगाते रहो, पानी लगाते रहो, गिरता ही जाएगा ना। तो आज दुनिया की यह हालत है, भट्टी कर चुके टिकट बन चुका है, तो आज दुनिया की यही हालत है क्या कि पत्तों पत्तों को पानी दे रहे हैं, ये आत्माएं सब पत्ते बैठे हुए हैं, ये सब है पत्ते क्या? हाँ पत्ते है ना, ये इतना सच्ची रूपी वृक्ष है बड़ा, तो कोई पत्ते होंगे, कोई तना भी होंगे, कोई बीज भी होंगे, कोई सच्ची की जड़ें भी होंगे, कोई सच्ची के सुख देने वाले फल और फूल भी होंगे, कि सारे ही देवता हैं, सारे ही राक्षस हैं? नहीं है ना,
तो इस शक्ति का बीज कौन है, इस शक्ति की जड़ें कौन है? उन बीजों को और जड़ों को पानी देंगे तो सारी दुनिया अपने आप सरसब्ज हो जाएगी। शक्ति का पिता कौन है? हर धर्म वाले शक्ति के पिता को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। कौन है? शिव पिता है। शक्ति के जितने भी दूसरे धर्म वाले हैं वो सब शिव पिता को अपना पिता मानते हैं। शक्ति का पिता मानते हैं? वो तो अपने अपने धर्म गुरु को पिता मानते हैं। पिता मानते हैं। अच्छा, जो क्राइस्ट है, क्रिश्चियंस है और जो मुसलमान है वो इब्राहिम को, मोहम्मद को ही पिता मानते हैं और उससे बड़ा पिता किसी को नहीं मानते। शक्ति का पिता किसी को नहीं मानते। आदम ईव को मानते हैं? आदम हवा को मानते ही नहीं। कि शक्ति के आदि माता पिता आदम हवा थे। अंग्रेज लोग मानते हैं कि नहीं? एडम और ईव। तो हर धर्म वाले अपने आदि पिता को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं है। उनकी अगर दुर्गति होती रहेगी इस दुनिया में तो दूसरों की सदगति नहीं हो सकती। इसलिए वो सृष्टि के आदि पिता कौन है, आदि माता कौन है, उनको पहचानना है। उनको पहचानेंगे तो शिव भगवान को भी पहचानेंगे, नहीं तो शिव तो निराकार है, वो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। इन आंखों से भगवान देखा जाता है क्या? नहीं, इन आंखों से नहीं देखा जाता, वो ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखा जा सकता है। और जगदम्बा का बैकबोन है ठीक बात है। बाबा ने बोला है कि जब रानी मक्खी निकलेगी तो उसके पीछे ढेर का ढेर झाड़ निकलेगा। क्या अकेली नहीं निकलेगी, उसके पीछे पीछे झाड़ का झाड़ निकल पड़ेगा। तो उस झाड़ में जयंती भी हो सकती है कि नहीं? क्योंकि जगदम्बा जो है वो ज्यादा ज्ञान का लेन देन करती है कि कोई और है आत्मा जो एडवांस ज्ञान का ज्यादा लेन देन करती है? सबसे ज्यादा ज्ञान का लेन देन कौन करती है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस पार्टी की दुनिया में ज्ञान का सबसे जास्ती लेन देन किसने किया? अरे प्रजापिता ने लेन देन किया। किसके साथ प्रजापिता ने किसके साथ लेन देन किया? अरे किसी के साथ लेन देन लेना करेगा, देना करेगा तो करेगा किसी के साथ? किसके साथ किया? हाँ बताओ। हैं? लक्ष्मी के साथ लेन देन ज्यादा किया है। लो सुनो, 30 साल हो गए एडवांस पार्टी को चलते चलते, इन्होंने ये देखा कि जो लक्ष्मी बनने वाली आत्मा है उसके साथ ज्ञान का लेन देन ज्यादा किया। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझा? अच्छा महालक्ष्मी की बात कर रहे हैं। अच्छा महालक्ष्मी कौन है? जगदम्बा। तो सीधे ही बता दो, घुमा के नाक क्यों पकड़ती है? सीधे बता दो ना जगदम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी बनती है। तो सबसे ज्यादा ज्ञान का लेन देन जगदम्बा ने किया, इसलिए उसका नाम पड़ा है लंदनवासी। मम्मा ने कहाँ जन्म लिया? अव्यक्तवाणी में बोला लंदन में सर्विस कर रही है। कहाँ सर्विस कर रही है? लंदन में। तो सबसे ज्यादा लेन देन ज्ञान का करने वाली बेहद की लंदनवासी कौन हुई? जगदम्बा।
सारे जगत की अम्बा है ना, सिर्फ भारतवासियों की अम्बा है, सारे जगत की अम्बा है, विदेशियों की भी अम्बा है, देवताओं की भी अम्बा है, राक्षसों की भी अम्बा है, सबकी अम्बा है ना। तो कहाँ की बात हुई है? लंदन की बात है। लंदन वासियों ने ज्ञान का लेन देन सबसे जास्ती किया, उन्होंने मुख्य है जगदम्बा। और बाबा ऐसा क्यों लगता है कि कभी कभी नहीं आए? आपके सवाल का जवाब पूरा हो गया है? वो बेहद की जगदम्बा है जयंती, और वो हद की जयंती है जो लंदन में रहती है, वो हद की जयंती है। बाबा ऐसा क्यों लगता है कि पहले भी नहीं आया था, ऐसा बैठा था, ऐसे चलता था? कहाँ पहले मतलब ऐसा लगता था मेरे को ध्यान में आने पहले लगता था, अब नहीं लगता? अब थोड़ा मतलब कभी कभी थोड़ा अभी इतना याद नहीं आता, पहले ऐसा लगता था मैं इस जगह पहले भी आया था ऐसा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना दुनिया में, कोई कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने पूर्व जन्म की बातें बताते हैं। क्या सतो प्रधान जिनकी मौत हो जाती है तो उनको पूर्व जन्म की बात याद रहती है, तो हो सकता है। और बाबा ऐसा भी होता है कभी जल्दी कभी कोई पीछे से पुकार रहा है तो अचानक आवाज आती है पीछे से? पर्सनल बातें बाद में पूछना, ज्ञान की बातें पूछो। और ओम शांति और ये बता। हाँ 9 लाख या 9 लाख 16 हजार हाँ 9 लाख ही कहे जाते हैं, लाखों में हजारों की गिनती थोड़ी की जाएगी। और लोग के बोलते जन्म लेंगे हाँ, उस समय जो नारायण की जीवन होती होगी तो वो लक्ष्मी होगी कि महालक्ष्मी होगी? जो योग लगाएंगे साथ में जो योग होगा उसमें ज्यादा किसी का जन्म होगा हाँ, तो उसमें वो साथ वाली बड़ी मम्मी या छोटी? योग ज्यादा सीखा किसका होता है, पवित्र आत्मा का ज्यादा सीखा योग होता है कि अपवित्र आत्मा का ज्यादा सीखा योग होता है? महाकाली अपवित्र कही जाएगी या पवित्र कही जाएगी? चंडिका देवी, चंडिका देवी होती है ना, उसको अपवित्र कहेंगे या पवित्र कहेंगे? तो बंगी लोग उसकी पूजा करते हैं, चोर डकैत महाकाली की पूजा करते हैं, है ना? तो वो ज्यादा योग में तीखी नहीं हो सकती, संसार को भयभीत कर सकती है, संसार में आतंक फैला सकती है हाँ, महाकाली का रूप धारण करके। लेकिन राधा कृष्ण जैसे बच्चे जो पहले नंबर के हैं शुरू से उनको जन्म नहीं दे सकती। शुरू से लेके अभी तक तो जरा त्याग तपस्या पुरुषार्थ जो महाकाली का बता रहे उसका ही रहा है, महाकाली का ज्यादा पुरुषार्थ रहा है, महाकाली का पुरुषार्थ ज्यादा रहा है क्योंकि उसने ज्ञान कलश को धारण कर लिया, बाएं हाथ में कलश दिखाया जाता है लक्ष्मी के, उसने ज्ञान कलश को धारण कर लिया, उसका वजन झेल रही है, है? वजन तो झेल रही है लेकिन उसे ज्ञान कलश को दुनिया में किसी को बांट पाया? बांटने के निमित्त कौन बनती है? लक्ष्मी बनती है। कौन सी ताकत है? पवित्रता। कौन सी ताकत है जो सारी दुनिया को ज्ञान धन बांटने के निमित्त बन जाती है? लक्ष्मी पवित्रता की पावर है। तो अभी जो ज्ञान बच रहा है वो आने वाली लक्ष्मी आएगी तो सबसे सरल बनेगा? अभी नहीं बच रहा है तो सुना नहीं है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, रानी मक्खी निकलेगी उसके पीछे पीछे सारा ही झाड़ जावेगा। प्योरिटी से यूनिटी बनती है या इम्प्योरिटी से यूनिटी बनती है? यूनिटी माने संगठन 16,000 का कैसे बनेगा है? प्योरिटी से शंकर जी महाराज 30 साल तो हो गए नाक रगड़ते रगड़ते, अपनी घरवाली को संगठित कर पाया है? अब जगत पिता ने जगदम्बा को ही संगठित नहीं कर पाया, राम की सीता चोरी हो गई तो दुनिया का संगठन राम राज्य कैसे स्थापन करेंगे? हाँ जी।
कौन बता रहा है? आने वाले ये 10 वर्षों में गुप्त अभी तो जाएगा। कौन कहता है? किसकी किसकी बातें सुनते रहते हैं? पति पत्नी होते हैं ना, रात में कान में बातें करते हैं। पता नहीं किससे संबंध है, किससे बातें करते हैं? ब्रह्मा कुमारी से बातें कर रहे हैं अभी तक। वो क्वेश्चन पूछते है ना, तो पति कहते रहते हैं ना। क्वेश्चन पूछते तो आपने जवाब दिया कि अभी 10 साल है। हमने कहा कि 60-70 तक आप लोग कर दोगे, बाद में आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपने अपनी मनमत सुना दी? मनमत सुनाई? मैंने कहा उनको बाबा का पाठ अभी फिर भी थोड़ा फोन पे या कहीं कहीं मिल जाएगा, भर्ती कर लीजिए। तो साहब के बाद तो टूलेट का बोर्ड लग जाएगा, आपको भर्ती भी करने को नहीं मिले, बाबा तो काम लगेगा। तो 10 साल का गुप्त पाठ चलेगा, 10 साल का गुप्त पाठ चलेगा। आगे से बाबा नहीं मिलेंगे ऐसा बोला ना, आगे से बाबा नहीं मिलेंगे इसलिए। आपने बोला ना, बाबा ने तो नहीं बोला। ये क्या बोलना चाहिए जो कि वो जो बोलते हैं? बोलना तो आपने बोल दिया, अब बाद में पूछे तो क्या फायदा? अपनी मनमत नहीं सुनानी चाहिए, जो बाबा ने सुनाया उतना ही सुनाना ठीक है। बाबा ने इतना ही तो सुनाया क्या कि 2018 ऐसा टाइम है जहाँ नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का छोटा सा सैंपल तैयार होगा, दुनिया उसको देख नहीं सकेगी, लेकिन जो बाप के राजयोगी बच्चे हैं वो वैकुंठ में पैदा होने वाले कृष्ण को देखेंगे, सब नहीं देखेंगे। ये तो बताया, तो 7 और 17 कहाँ से आ गया? 17 तक हमारा पूछने का दूसरा, 17 तक जो मॉडल आएगा वही देखने की बात थी। वो 17 तक नहीं आएगा, 18-19 तक भी समझो। और हाँ जी, हाँ जी, और टाइम 1 घंटे का पूरा होने जा रहा है, जल्दी करो। 12-13 साल का। हाँ जी, है और कुछ? हाँ बोलो बोलो बाबा। ये जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल है ये भी सब चेंज हो जाएगा ना? बिल्कुल चेंज, जब आपकी योग बल की पावर आएगी, आपकी आत्मा एकाग्र हो जाएगी एक बिंदु पर, 8 घंटे अगर एकाग्रता आ जाएगी तो आप जो सोचेंगे सो ही होगा। इसलिए मुझे ने बोले दवा खाने का कोई दरकार नहीं पड़ेगा जाकर। दवा खाना बंद कर दो, मरमरा जाओ। बोले इसलिए जब योग पूरा होते, योग बल का पावर भी नहीं आई, वो दवाई जो भगवान बनाते हैं वो दवाई बन के तैयार भी नहीं हुई, और जो आज दवाइयां चल रही हैं जिनसे हम क्योर हो रहे हैं, स्वस्थ बन रहे हैं, वो भी हम खाना छोड़ देंगे तो नुकसान होगा फायदा होगा? नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आप जैसे गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट की सेवा करनी चाहिए, इसलिए सेवा, जिसकी सेवा करेंगे। मान लो राष्ट्रपति ने कोई काम दिया किसी आदमी को कि ये काम तुम्हें करना है, प्रधानमंत्री ने कोई काम दिया किसी आदमी को तुम्हें ये काम करके दिखाना है, तो वो काम अगर कोई करने में लग जाएगा तो उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति याद आएगा कि नहीं? आएगा, आएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं जो सर्विसेबल बच्चे हैं, ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं वो बच्चे, उन बच्चों को मैं बहुत याद करता हूँ। सारी दुनिया मेरे को याद करती है और मैं किसको याद करता हूँ? जो ईश्वरीय सेवा करने वाले सर्वसेवल बच्चे हैं मैं उनको याद करता हूँ। तो ज्यादा योग किसका सीखा होगा? जो सर्वसेवल बच्चे हैं जिन्हें भगवान खुद बैठ के याद करता है, उनके ऊपर तो भगवान की छत्र छाया याद की है, तो वो तो याद में बहुत सीखे चले जाएंगे। 8 घंटे योग बैठ के सारा आएगा कि मतलब जो चलते चलते आए, क्लास से पहले करते हैं या अमृत वगैरह करते हैं, वो सब मिल के आए?
एक गृहस्थी होते हैं जी, क्वेश्चन है जिनको कहा जाता है गिरी हस्ती। दुनिया समझती है कि ये गिरी हस्ती है। और गीता में भगवान ने ज्ञान किसको दिया है? सन्यासियों को दिया है। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जैसे सन्यासियों को ज्ञान दिया है या अर्जुन जैसे गृहस्थियों को ज्ञान दिया है? गृहस्थियों को, जिनको दुनिया गिरी हस्ती समझती है उनको ही ऊंची हस्ती बनाने के लिए भगवान आता है। जो तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां हैं बैठ के योग लगाने वाली, बैठ के खाने वाली, वो उस योग को नहीं प्राप्त कर सकती। नकालक सफेद धोती पहन ली, आराम से भाषण झाड़ दिया और सोफा सेट पे बैठ गए तो उनको, वो तो मठपंत जैसे जमाने वाले सन्यासी होते हैं, ऐसे ही ये मठपंत जमा करके बैठते हैं। मुरली के बरखिलाफ आचरण करते हैं। मुरली में तो बोला हुआ है कि तुम बच्चे किराए पर मकान लेते रहो, ये दुनिया तो विनाश होने वाली है, तुम अपना मकान नहीं बनाना। मना कर दिया, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाना अपने नाम से। वहाँ प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी बनती चली जा रही है, दुनिया को सिखाते हैं विनाश सामने खड़ा है, तो दुनिया वालों को विश्वास होगा? है मैंने भी ये चेक करी, सभी कोई समझते कि हाँ आपका एडवांस। अच्छा तुमने अच्छा किया, किराए पे चला रहे कुछ तो अच्छा किया ना। अच्छा बाबा ये अमृत वाला कभी कभी झुटका आने के बीच में उठ के इधर उधर, अमृत वेला उठ के तो झुटका आता है तो इस बीच में मतलब ऋषि मुनि तपस्वी जो सवेरे उठ उठ करके पुरुषार्थ करते हैं, रात में देखते हैं कि सितारों की ये गति है, अब सवेरा हो चुका है ना, सूर्य दो चार घंटे के अंदर अंदर निकलने वाला है, तो पहचान लेते हैं ना सितारों की गति देख करके। तो यहाँ भी कौन से सितारे हैं? ये चैतन्य सितारे हैं। तो मैं ब्राह्मणों की दुनिया में कुछ चैतन्य सितारे ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, आभास हो रहा है कि वो निकल चुके हैं, कुछ निकल चुके हैं। अरे एक दो तीन निकल चुके हैं कि नहीं निकल चुके हैं? कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति का बैज है बुद्ध रूपी पॉकेट में पड़ा रहे है? है? दिखाई पड़ता है। अच्छा ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है? है जो अपनी जगह से हिलता ही नहीं, सारे सितारे हिल जाते हैं, चक्कर काटते हैं इधर उधर दुनिया में, भटकते रहते हैं और वो सितारा अपनी जगह पर अटल रहता है। तो कोई पुरुषार्थ में अटल रहने वाला सितारा दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ा है? दिखाई पड़ता है। अच्छा फिर तो तुम्हें अमृत वेला जल जाना चाहिए है? तुम क्यों कंप्लेन करते हो? कंप्लेन वाले कोई अनेक से आता होगा, ये 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 धमकारा हो सकता है? अरे ये नहीं हो सकता। ऐसे नहीं बाबा। हाँ कैसे? ऐसे पूछ रहा हूँ कि जब वो आए तो क्या करना चाहिए, मतलब उठ के कौन आए, मतलब आया उसका बता रहे। देखो रावण अटैक करता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी माया रावण अटैक करता है तो अवस्था नीचे जाती है। अच्छा रावण को किसी ने जीत लिया, पांच विकारों को थोड़ा थोड़ा जीत लिया, फिर कुंभकर्ण हमला करेगा कि नहीं? करेगा। कुंभकर्ण उसका भाई नहीं है? भाई तो उसके भाई को मार दिया तो हमला नहीं करेगा? करेगा करेगा तो घबराते गाएगी है। बाबा ने तरीका बताया है, बाबा ने मुरली में बताया है, जो ड्रापर होता है ना आंख में डालने वाला छोटा सा, उसमें सरसों का तेल डाल दो। क्या सवेरे को बैठे बैठे याद करते समय जैसे ही झुटका आना शुरू हो वैसे ही आधा बूंद लेकर के इधर याद हो जाते, आधा पौना घंटा बिल्कुल नहीं दूर जाएगी, उसके बाद तो सुबह हो जाएगी, धीरे धीरे पैकिंग पर जाएगी जगने। जो पूछ है वो किस बात की निशानी है मालूम है? अरे कोई पूछ है, हनुमान की पूछ है, हनुमान की पूछ बहुत लंबी पूछ है। उसने पूछ ने क्या किया था? बहुत बड़ा काम है, सारी लंका में आग लगा दी। आज सारी दुनिया में किसका राज्य है?
रावण राज्य, ऐसा रावण राज्य की दुनिया में कोई पूछड़ी वाला है क्या? हुआ अरे तुम्हारी बुद्धि ज्यादा डिस्टर्ब होती है, काम करने वाले को काम करने दो, तो अपनी बात में रहो। जो लंबी पूछ दिखाई जाती है वो किस बात की निशानी हुई? हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। क्या रावण की लंका में न कपड़े बचे? कपड़ा किसको कहा जाता है? सारी रूपी कपड़े, जो अच्छे अच्छे कपड़े होते ना बनारसी साड़ियाँ, वो अच्छी अच्छी साड़ियाँ कोई भी नहीं बची, वो सारी साड़ियाँ हनुमान ने अपनी पूछ में लपेट ली। क्या इनके कान में बात कह रही है बता दो। क्या सारे जो शरीर रूपी वस्त्र है वो सब अपनी देह हनुमान की पूछ में लपेट लिए? लपेट लिए का मतलब क्या हुआ? सरेंडर करा लिए, लपेट लिए। रहा न बसन नगर घृत तेला, रावण के नगर में, रावण की लंका में याद का घृत नाम की चीज नहीं बची। तो देखते जा रहे हैं तो उनको टेंशन बढ़ता ही चला जा रहा है, हाथ फेल होते ही चले जा रहे हैं। तो याद का घृत बचा या नहीं बचा है कि खत्म हो गया? जिसमें याद का बल होता है उसका हार्ट फेल होता है क्या? उसका हार्ट फेल नहीं होता तो घृत भी नहीं बचा क्या? और बाढ़ी पूंछ, पूंछ इतनी लंबी हुई कि उन्होंने एक खेल बना दिया। इतनी लंबी पूंछ हो गई जो सारी लंका में फैल गई और उसमें आग लगा दी गई। कौन सी आग? आग दो तरह की होती है, एक होती है स्थूल आग, हद की आग, और दूसरी है याद की आग। स्थूल आग की तो बात ही छोड़ दो, एक होता है पॉजिटिव आग, पॉजिटिव आग जिसे कहते हैं याद की आग, और उसके अपोजिटन अपोजिशन में कौन सी आग होती है? तो कौन सी आग होती है? एक होती है याद की आग, क्या जिसे कहते हैं योगाग्नि, योगाग्नि कहते हैं ना इसको, इसको तो आग लगी पड़ी है। जब बाप गुस्सा हो जाता है जब लड़के से लव मैरिज करता है, इसको तो आग लगी पड़ी है अपनी उस लड़की की, तो ऐसे बोलता है ना। तो एक तो होती है काम की आग और एक होती है ईश्वरी याद की आग, वो होती है पॉजिटिव और वो होती है नेगेटिव। तो हनुमान की पूंछ में जब आग लगी, कौन सी आग, कौन सी आग लगाई पूंछ में? अरे देह अभिमान की पूंछ में कौन सी आग लगाई जाती है? देह अभिमान बढ़ता है तो कौन सी आग ज्यादा काम करती है? नहीं, देह अभिमान जो है वो माई बाप है और पांच विकार उसके बच्चे हैं। क्या पांच विकार हैं बच्चे? उनमें मुख्य कौन सा बच्चा है? काम विकार। तो देहवान ज्यादा होता है तो काम विकार भी ज्यादा सताता है, क्रोध है नंबर दो का। तो जो काम विकार है वो पूंछ में आग लगा देता है जो सारी लंका में फैल जाती है। ऐसा खेल किया कि सारी लंका जल गई और पूंछ फिर भी बच गई। कैसे बच गई? पानी में डुबा, हाँ सागर में ले जाके ज्ञान सागर में पूंछ को डुबो दिया। तो देह अभिमान की पूंछ को ले जा करके सागर में डुबो दिया। ये हनुमान का काम है, इसलिए हनुमान पूजे जाते हैं।
बड़ा काम किया, राक्षसों की दुनिया खलास कर दी, आग लगा दी, अब ये दुनिया में फिर से आग लगने वाली है। विनाश होगा कि नहीं होगा? तो विनाश जो है प्योरिटी से होता है या इम्प्योरिटी से होता है? हाँ, इम्प्योरिटी से होता है विनाश, और प्योरिटी जो होती है स्थापना। विष्णु की प्योरिटी से नई दुनिया स्थापन होगी, पालना भी होगी। और शंकर जी को दिखाया जाता है विष पीते हुए, उनमें ताकत है। क्या सदगुरु का रूप है तो कुछ भी कर सकता है, जो करेगा सो कल्याणकारी करेगा। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है ना, शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है ना। कोई और देवता रहते हैं 30 करोड़ में जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए? ब्रह्मा का नाम जोड़ा जाता है? विष्णु का नाम जोड़ा जाता है? नहीं जोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। धर्म पिता आकर के धर्म की स्थापना करते हैं, क्या पुरानी परंपराओं का नाश नहीं करते। पुराने धर्म भी चलते रहते हैं, पुरानी परंपराएं भी चलती रहती हैं। अब धर्म पिता आकर के अपने एक नए धर्म की और स्थापना करनी चाहिए। तो विनाश तो करते नहीं खराब चीजों का, खराब बातों का। और शंकर जी जो किसी धर्म पिता ने नहीं किया वो काम वो करके दिखाते हैं, तो बड़ा काम है ना। जो 2,25,000 जो रुद्रमाला के मंके हैं वो भक्ति करने के लिए जैसे अभी चल रहा है भक्ति वैसे अंतिम तक चलेगी, या जैसे 7 दिन का अभी भक्ति हो रहा है तो 2,25,000 तो भक्ति करना है, तो अभी तक कितना पहुँचा और कितना पाके और कब तक? 15,000-20,000। फिर बाबा एक बात है ना, ये जो एक परिवार में पूरा हो जाने दो, इस प्रश्न का समाधान मिल गया? नहीं। अभी जो भक्ति की रफ्तार चल रही है उस रफ्तार से क्या 2,25,000 भक्ति पूरी कर लेंगे? तो बिल्कुल 2,25,000 का ही नाम क्यों लिया? 9,00,000 का नाम क्यों नहीं लिया? नई दुनिया में 9,00,000 सितारे होंगे या 2,25,000 होंगे? 2,00,000 तो क्यों लिया? 2,25,000 और उधर का 2,25,000 उधर का वो भक्ति नहीं करेंगे? बिना भक्ति किए प्रवेश कर जाएंगे? बाकी तो सबको करना है ना, उधर का सबको करनी पड़ेगी। रानी मुखिया जी उसके पीछे भी जाएंगे, वो सारे उनको भी भक्ति करनी पड़ेगी। सब गिन के सारे बने हो गया गर्भ में जन्म लिए बगैर बच्चा बाप के घर में जब तक जन्म नहीं लेता है, आबू अब्बा के घर में जन्म न ले तो वो बच्चा बाप का कहा जाएगा? नहीं। 9 महीने पेट में पतना जरूरी है, वो है हद का बच्चा, हद का जन्म, और ये बेहद का जन्म है। एक दिन आना एक दिन जाना, 7 दिन की भट्टी। 9 दिन जब पकेंगे ज्ञान गर्भ में तो बच्चा बनकर के बाप के घर में पैदा होंगे, तब कहे जाएंगे बाप के बच्चे। तब तुम्हारा सवाल ये था कि जो अभी रफ्तार चल रही है उस रफ्तार से क्या 9,00,000 या 2,25,000 से आएंगे? नहीं होंगे। इसके लिए बताया है ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे, ऐसे अभी कमाणी में बोला है। वारंट निकलता है तब क्या होता है? कोई ये देखता है कि हम अपना सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके ठीक से रख दें और फिर यहाँ यहाँ से भागे? भाग जाएगा। बहुत जो पहले भर्ती कर रहे हैं अभी, जो उनसे भी लड़ते हैं, समाज से भी लड़ते हैं, इधर से भी लड़ते हैं, वो भर्ती अभी कर रहे हैं, और रानी मक्खी निकली वो भी भर्ती करेंगे तो सारे बराबर हो जाएंगे? बराबर नहीं हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? माने वो तो महारानी बन जाएगी, वो बराबर हो जाएगी, तुमसे भी ऊंची हो जाएगी। वो कहते हैं हमसे ऊंची कैसे हो जाएगी? वो तो लास्ट में आने वाले आगे, लास्ट में आने वाले फास्ट नहीं जा सकते। ये तो ईश्वरी पढ़ाई का कमाल है। तो उनके पीछे पीछे जो आएंगे, उनको उनके पीछे पीछे जो आएंगे उनके नंबर अपने बनेंगे,
जो पहले कर रहे बच्ची जो 15-20 हजार में जो लड़मर वो राजा बनेंगे, वो रानियां बनेंगी, रानियों को फिर भी आधीन रहना पड़ता है, और राजाओं को, राजा है तो स्वाधीन होते हैं। बाप राजयोग सिखाने आया है या रानी योग सिखाने आया है? राजयोग सिखाने आया। तो बाबा और जो एक किसी परिवार में से एक ने जब भर्ती किया जन्म में आया तो सारा किसान परिवार आ गया हुआ है। फिर एडवांस में आने के बाद जो एक भी परिवार का सदस्य ज्ञान में चलेगा, चाहे लौकिक हो या लौकिक परिवार ही क्यों न हो, तो उसका पूरा का पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में जरूर चलेगा, ज्ञान का भांति जरूर बन जाएगा। हाँ जी जरूर बनेगा, माने वो सत्युग की नई दुनिया की प्रजा में आ जरूर जाएगा। अब वो थर्ड क्लास प्रजा बनेगा, सेकंड क्लास प्रजा बनेगा, फोर्थ क्लास प्रजा बनेगा, जो नई दुनिया का संगठन बनेगा उसमें दास दासी बनेगा, चंडाल बनेगा, महाराजा बनेगा, रानी बनेगा, राजा बनेगा, ये बात अलग, लेकिन आएगा जरूर। दादाजी बनेगा कितनी खुशी की बात है। नया दुनिया का संगठन जो है ना वो 1936 के आगे ही होगी ना, उसके बाद वाला की नहीं है। नई दुनिया का संगठन वो 36 से आगे इधर ही होगी ना। 2036 के बाद नई दुनिया का परिपूर्ण संगठन तैयार हो जाएगा, पक्का सत्युग स्थापन हो जाएगा। उसके बाद कुछ करने को नहीं रह जाएगा, उसके बाद कोई पुरुषार्थ नहीं रह जाएगा, कभी नहीं ज्ञान भी नहीं होता। हाँ जी, और रात दिन भी नहीं होता है ना, है उसमें तो रात दिन भी नहीं होता है ना, क्योंकि दिन दिन रहता है ना बाबा उसमें, और तुम्हारा थकान होती है तो रात में जाके सो जाओ। प्रकृति ऐसे ही हो जाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जब 6 महीने का दिन हो सकता है तो ऐसी दुनिया नहीं हो सकती जहाँ दिन ही दिन हो, रात कभी ना हो, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। रात होने का दीदी सवाल ही नहीं, रात होती किस लिए है अभी, इसलिए होती है, सारा दिन काम करके थक जाते हैं, मेंटली भी थक जाते हैं, फिजिकली भी थक जाते हैं, तो रात में सो जाओ भाई। अरे ले सारी रामायण खत्म हो गई, सीता का बाप का पता ही नहीं चला। पूंछ माने देह अभिमान की पूंछ, जो सितारे होते हैं जिनको बहुत लंबी देह अभिमान की पूंछ होती है उनको कहते हैं पुच्छ संतारा। भक्ति मार्ग की बात है, बुद्धि में ज्यादा घूमती है, तुम गौर से बताना। हाँ आज तो बताना पड़ेगा, मुरली और अव्यक्तवाणी नहीं याद रहती है, भगवान की बोली हुई बातें कुछ नहीं याद रहती। पुच्छल तारा जब टूटता है तो अलग अलग किंवदंतियां हैं, अलग अलग समाज में, अलग अलग देशों में, यहाँ भारत में जो किंवदंती है वो बता रहे हैं आप क्या, कि जब टूटता है जो कोई देखता है तो शुभ माना जाता है, तो देह अभिमान की पूंछ किसी की टूटेगी तो शुभ होगा या अशुभ होगा, क्या होगा? अगर किसी की देह अभिमान की पूंछ खत्म हो जाए और वो देवता बन जाए तो खराब बात है अच्छी बात है, तो शुभ ही हुआ। और कि पूंछ हमेशा खराब ही होती है, क्या पूंछ अच्छी भी होती है, कृष्ण के सर के ऊपर मोर की पूंछ दिखाई जाती है, ताज है उनका, तो किस बात की यादगार है? कोई कोई पक्षी ऐसा भी होता है जो पेशाब से पैदाइश नहीं करता है, उनमें है मोर, इसलिए भारत में एक ही पक्षी है जिसको राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, नेशनल बर्ड, और उसको अगर कोई गोली से मारे और कोई देख ले फोटो खींच ले तो उसको सजा हो जाएगी, आदमी को मारने वालों की सजा नहीं हो पाती है,
मैंने बताया पक्षी को मारने वाले की सजा हो जाएगी, तो इतना महत्व तो क्यों हुआ? प्योरिटी, कृष्ण ने ऐसी प्योरिटी धारण की कि एक ही जन्म में कलमुहा से गोरा मुंह वाला बन गया। आगे तो जब बाप को अकेला तो नहीं छोड़ेगी। हाँ, वो तो तुम्हारे लिए बोला है, है? नहीं नहीं तो नहीं बोला, हाँ? नहीं बोला तो मुरली में आए। अच्छा, बाप को अकेला तो नहीं छोड़ दोगे सर? अच्छा, ऐसा कौन सी बात है कि जो ऐसा बोल दिया गया कि अकेला तो नहीं छोड़ोगे? तो बाप अकेला सोता नहीं होगा क्या? कभी सोता ही नहीं होगा। अच्छा, लैट्रिन जाता होगा कि नहीं? अकेला छोड़ते कि नहीं? बात खत्म हो गई। और अभी और है थोड़ा टाइम, बाद में नहीं कहना हमने पूछ नहीं पाया। ऐसा मौका और कोई सभा में नहीं मिलेगा। क्या ब्रह्मा कुमारी अपने क्लास में कभी प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं देती? कोई धर्म गुरु या इजाजत नहीं देती? तो प्रश्न पूछेगा तो वो नास्तिक बोल जाएगा। बेर याद है तुमको, इजाजत मिल रही है। बोलो खत्म।